की हत्या कर दी गई ऐसी बात आ रही है। सूचना अभी मिली थी कि जो है कोई काम लेबर मजदूरी करने वाला घर में डाई और इसी का काम करने वाला आदमी अपना पैसा मांगने गया था, 2-3 दिनों का बाकी था या 4 दिनों का, जो भी 600 उसी क्रम में कुछ फाइनेंस कंपनी का जहाँ काम करने जाता था उसके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा छोटी सी बात को लेकर के छत पर बुलाया और विवाद क्या हुआ मांगने की बात को लेकर हुआ, वहीं से ढकेल करके उसको मार दिया गया। सूचना मिलने पर तुरंत जो है पुलिस और स्थानीय कुछ पत्रकार और कुछ अन्य लोग भी वहाँ पहुँचे, तुरंत अस्पताल लाया गया लेकिन वो जो है मृत पाया गया। अभियुक्त जो मारने की बात आई है वो एक जो है व्यक्ति जिसको चोट भी लगी है पर द्वारा मारा पीटा गया है वो भी पकड़ा गया है और 3 अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर पुलिस है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम में भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। टोटल 4 गिरफ्तारी माना है। हाँ 4 अभी तो तत्काल है। ढकेलने वाला कौन था सर? कोई माइक्रो जो उसमें कोई क्लियर नहीं हो रहा वो तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कोई आदमी है, कुछ इसी फाइनेंस का काम करता था, वही लोग किराए पे यहाँ रहता था जिसके यहाँ वो काम करती थी, ये सूचना था कि काम करती थी, उन्हीं लोगों के द्वारा इस घटना चली। सर कितना बकाया था या लोन का पैसा बकाया था कुछ ऐसी जानकारी? तो नहीं है, मजदूरी मांगने गया था 500-600 रुपया कुछ बाकी उसका था मांगने गया था, इसी को लेकर के हुआ है। विश्वास दिलाते हैं पूरी तरह न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से है, मतलब जो सामने है और जो अंदरूनी तौर पे होगा उसको भी हम लोग उजागर करके उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बहुत अमानवीय कार्य है, इस तरह का व्यवहार अमानवीय है, एकदम जघन्य हत्या है, इस पर कार्रवाई होगी, मैक्सिमम सजा दिलाने का हम लोग कोशिश करेंगे। हम सर कस्टमर लोगों का पैसा बांट रहे थे और इनका पति आया सर हमसे, सर हाथ पे कहला कि मेरा पैसा लाओ पैसा लाओ। मैंने कहा कि भाई साहब थोड़ा देर शांत रहिए, इन लोगों का काम हम कर लेते हैं, डिस्पोजल कर लेते हैं, फिर आपका हम काम करेंगे, ठीक है। तो कहते नहीं मेरा काम कीजिए, मेरा काम कीजिए। तो हम उनको सर बोले कि आप थोड़ा देर बाहर जाइए, ठीक है, बाहर जाइए, हम लोग काम कर रहे हैं। अब उसी सर बाहर के चक्कर में क्या हुआ, सर बाहर निकला है ना सर, तो बाहर में सर बोला सीढ़ी है, सीढ़ी पर रेलिंग नहीं है, अब वो सर नीचे सर छाल गया, गिर गया सर ऊपर से सर। ऐसा नहीं है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ जी सर। कितने लोगों को अभी तक दिया है लोन? लगभग सर 890 लोगों को। राहुल कुमार दरभंगा, दरभंगा हरिशंकर कुमार जैन से है ये। इधर कहाँ सर? मधुबनी साइड पर, मधुबनी में ही सर हुआ। दूसरा साइड के हाउस कहाँ सर? दूसरा तीसरा सर सौरभ कुमार है। सौरभ ठीक है, साफ है। सौरभ कुमार विमन कुमार नाम है, विमन 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 डी आई एम एन विमन ठीक है, साफ है। सौरभ कहाँ का है? समस्तीपुर का। समस्तीपुर आई विमल कुमार मुजफ्फरपुर साइड का सर। आपके पास सबका एड्रेस नहीं है?
एड्रेस सर कंपनी हायर करता है सर। कौन सा कंपनी है आपका? डीजे टीम माइक्रो फाइनेंस। डीजे टीम माइक्रो फाइनेंस। डीजे टीम। हम लोग को जब पता चला जो ऐसे ऐसे घटना बेलारे में हुआ है, राजकुमार मंडल जी के वार्ड के घर के पड़ोसी हैं वो, जो जिसका झोटा मंडल नाम है, उसको पता लगा। जो हम ऑफिस पर थे जब आए तो देखे उसको झोटा मंडल को वहाँ पर पड़ा हुआ हम देखे थे। हम लोग हॉस्पिटल में जब देखे तो हम देखे मरा हुआ था, और उस आदमी को पकड़ के लाया था तो OTP में बंद करके रखा हुआ था। तब तक तो यहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा भीड़ लग गया था, भीड़ इतना काफ़ी थी कि जैसे लग रहा था यहाँ पर उसको भी मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन जो है इसको बचा लिया। जी जी, अभी फिलहाल आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए, कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा दिलाया जाए, लेकिन ये गरीब परिवार को बढ़िया से बढ़िया मुआवजा दिया जाए। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो होते हैं वो प्रायः गांव देहात में इस तरह का बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये लोग तो बहुत गलत करता है, किसी का सिलेंडर उठाता है, किसी को बहू बेटी को गाली देकर के पैसा वसूली करने के लिए था। इसको तो प्रायः बंद कर देना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए गांव वाले। जो भी गांव लोन लिया है उसको कहीं लोन नहीं देने के लिए वापस, कोई भी कंपनी को लोन वापस नहीं दे। गाँव में जाबे तो पकड़ के मारे पहले उस फाइनेंसर को, किसी भी कोई भी फाइनेंसर उसको पीटे जा करके, सभी ग्रामीण मिल करके उसको पीटे, एक रुपया वापस नहीं देना है उसको, किसी भी तरह का पैसा है उसका तो उसके पास तो नहीं दिया जाए। मैं बगल में सतीश कुमार जी है, और जो जिनकी हत्या हुई है, जिन जो मरे हैं उस मजदूर के घर के अगर प्रशासन से, तो यही हम कोशिश करेंगे जो कम से कम 50 लाख का इसको मुआवजा जो है सो दिया जाए, जो गरीब परिवार को आगे परिवार के लिए छोटा छोटा बच्चा है। और जैसे सुनने में आया, हम तो प्रत्यक्षदर्शी थे नहीं, बाद में हम आए तो देखे जो कि एकदम पूरा एकदम माने डेड बॉडी हम देखे, और जो एक आदमी थे उनको पुलिस प्रशासन ने उनको घेर के अपना OT में रखा था। और हम लोग कोशिश किए जो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं जो कि इसमें ज़्यादा मुआवजा मिले। झोटाई मंडल नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, उनका क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था, क्या करके वो गुजर बसर करते? झोटाई मंडल जो है ना वो बहुत गरीब ही परिवार में, अपना जमीन भी नहीं है रहने के लिए, जिसमें हम उसको जमीन दिए हैं कुछ, उसमें जो घर बनाया है और मजदूरी ये घर मजदूरी करके वो अपना दिनचर्या अपना पालन करता है। आप उनका क्या मतलब परिवार के से? अब तो भगवान भरोसे अभी परिवार चल रहा है, हम तो हम लोग तो वही कोशिश करेंगे जो कि प्रशासन से मिले कुछ जो कि उसका भरण पोषण हो। ऐसे क्रूर फाइनेंस कंपनी के जो लोग हैं उनके बारे उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है? ऐसे ऐसे कंपनी को बंद कर दिया जाए, और ग्रामीण से हम अपील करते हैं जो जो भी कोई अगर जाता है वसूली में तो उसको मार के भगा दिया जाए।